हासिल करते नजर आती है। इसी बात सुना होगा कि निस्बत से शय मुमताज होती है। अजीजाने कराम, जिस पर निस्बत से शय मुमताज होती है, देखिए ये जलसा जुलूस जो है इस पर रहमतों का नुज़ूल नहीं होता अगर लोग यहाँ पर सियासती मामला को लेकर आते, लेकिन इसको निस्बत मखदूम सिन्हा से होकर तो ये भी मुमताज होगा। मखदूम सिन्हा गौसे पाक के औलादों में से और गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता, तो जब तक मखदूम सिन्हा ना चाहूं कि मैं फिर कोई आगे बैठ नहीं सकता। मखदूम सिन्हा के मेहमान आए हुए हैं, अदबन बैठे और अपने हाथों से अपने किसी भी अज्जा से कोई ऐसे काम को अंजाम ना दे जो सुन्नत मुस्तफा को तोड़ती नजर आए। बहरा रजाने ग्रामीण, तो आप मोहब्बत ऐसे से करें जो आपको मुमताज करता हो और जो इज्जत वाला हो, जिसकी इज्जत की जाती है और इज्जत को तरीके से होती है। एक आलिम की इज्जत होती है, दुनिया वालों की इज्जत होती है, लेकिन आलिम से हम मोहब्बत करते हैं हमारी उनकी ताजीम पर तब वाजिब होती है जब वो आलिम दीन बन जाता है, जब वो मुस्तफा की सुन्नतों को मुस्तफा की शरीयत को जान जाता है, आलिम दीन बन जाता है, उसकी ताजीम पर तब वाजिब होती है। अल्लाह रब्बुल कबीरा, हाजी हम किसी को नहीं मानते, मगर जब हज कर बैतुल्ला का तवाफ करके आता है, खाना काबा की ज्यारत करता है, हजरे असरत को चूमता है, अल्लाह अल्लाह उसके हज को करने के बाद, अल्लाह अल्लाह उसके हज को करने के बाद हम उससे हाजी कहते हैं कि हम इज्जत देते हैं। नमाजी को नमाजी तब तक नहीं कहते, इंसान को नमाजी तब तक नहीं कहते जब तक कोई नमाज ना पढ़ ले, जब नमाज पढ़ता है हम उसे नमाजी कहते हैं, कि हम उसे इज्जत देते हैं। लेकिन एक साथ ऐसी भी है, अल्लाह बतिया, जो अगर पैदा भी है उसकी तहजीब हम पर वाजिब होती है, सिर्फ पैदा हो और जमाने पर उसने कोई नेक से अंजाम ना दिया हो, फकत वो पैदा हुआ है, अभी मुस्तफा की शक्ल को ना जाना, अभी मुस्तफा की तरीकत को ना जाना, अल्लाह अल्लाह अभी किसी नेक काम को नहीं किया, मगर एक साथ ऐसी भी है, अगर पैदा भी हो उसकी तहजीब हम पर वाजिब है, वो जात कौन सी पता है, वो जात और नहीं बल्कि हुजूर से निस्बत रखने वाली